नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज दोस्तों, भारत कुछ उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास एक ऐसा बॉम्ब है जो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर बॉम्ब है। दोस्तों हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका है। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा ताकतवर बॉम्ब आ चुका है लेकिन वो न्यूक्लियर नहीं है, और ये भारत की जो सेना है उनको मिल भी गया है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो बॉम्ब है ये पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है, तो इसमें बाहरी कोई ताकत नहीं है, बाहरी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भी इंडिया की है। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है ये सोलार इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री लिमिटेड उसने बनाया है। ये जो ऐसी कंपनी है जो भारत के लिए भी बॉम्ब बनाती है और भारत के बाहरी देशों के लिए भी ये बॉम्ब बनाती है, ये वैसी कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और ये समझ लीजिए कि ये जो TNT है उससे 2 times ज़्यादा घातक एक्सप्लोसिव है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब है। TNT आपको बता दें कि जो भी कंपैरिजन करा जाता है बॉम्ब का कि कितना एक्सप्लोसिव है, वो TNT से ही कंपैरिजन किया जाता है। तो इसका जो एक्सप्लोसिवनेस है, जो घातकपन है, वो 2.01 times है TNT से। तो आप ये समझ लीजिए, और ये जो अपनी आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा घातक होगा, जो भारत का ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस की जो तीव्रता है, जो एक्सप्लोसिवनेस है, ये 1.25 TNT से लेकर के 1.5 TNT तक है। तो आप ये अब समझ लीजिए कि ये जो अभी बनाया है बॉम्ब, ये 2 TNT तक का एक्सप्लोसिवनेस रखता है, ज़्यादा घातक हथियार है। दोस्तों अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आखिर ये जैसे इंडिया ने बनाया है तो इससे भारत को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और क्या इसके अलावा और किन किन देशों के पास ये चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो आपको दोस्तों बता दें कि इससे पहले एक अमेरिका के पास बॉम्ब है, उसको बोलते हैं द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, और वो भी काफ़ी ज़्यादा घातक बॉम्ब है, उसका यूज भी हो चुका है। उस बॉम्ब को अमेरिका ने अप्रैल 2017 में बनाया था, हाँ 7-8 साल पहले बना लिया था, और उस बॉम्ब को यूज भी किया था अफ़गानिस्तान में। फिर उसके बाद अगर बात करें तो रसिया के पास भी ये सेम बॉम्ब है, लेकिन रसिया के पास थोड़ा सा एडवांस लेवल का और भी ज़्यादा बॉम्ब है, वो और भी ज़्यादा घातक है। तो वो जो बॉम्ब बनाया है रसिया ने, उसका तो यूज़ अभी एज सच देखने को नहीं मिला है, लेकिन वो और भी ज़्यादा घातक बॉम्ब है। और ये जो भारत का जो बॉम्ब है ये अमेरिकन बॉम्ब से ज़्यादा ताकतवर है और रसिया वाले से थोड़ा सा कम है। और ऐसा ही बॉम्ब बताते हैं कि चाइना के पास भी है, हालांकि उसकी कोई खबर श्योर नहीं है कि उसके पास है ही। ये जो बॉम्ब है इसका नाम है सेबेक्स। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब आपको बताएं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों दरअसल क्या है कि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना कोई आसान काम नहीं होता है, और भारत तो वैसे भी बहुत ही जिम्मेदार राष्ट्र है, इसलिए भारत न्यूक्लियर बॉम्ब तो यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर बॉम्ब की पॉलिसी भी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो फर्स्ट यूज़, मतलब कि हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ पहले नहीं करेंगे। अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया तब भारत अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करेगा। तो दोस्तों हम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम किसी को अपने ऊपर बैठने तो नहीं देंगे, ना ही कोई फ़ायदा उठाने देंगे। तो हमें कोई तो एक ऐसा बॉम्ब होना चाहिए जो सामने हम रखें, हमें यूज भले ही ना करना पड़े लेकिन सामने जब रखा होगा तो जो विरोधी होंगे उनको डर लगेगा कि अब इनके पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है कि इनको न्यूक्लियर बॉम्ब मारना पड़े, बिना न्यूक्लियर बॉम्ब निकाले ये दूसरे बॉम्ब मार देंगे और हमको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ये डर रहेगा। और जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, इनके अंदर इस तरह का डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डर होगा तभी ये कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये भारत को परेशान करते रहेंगे। तो ये अब भारत को इस तरह से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, भारत के लिए ये मतलब एक तरह से सोच लीजिए कि भारत को एक वरदान सा मिल गया है, ये इतनी बड़ी चीज़ है।
इससे दोस्तों एक चीज़ और भी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं भारत के पास टेक्नोलॉजी भी बढ़ती चली जा रही है। भारत के पास पिछले कुछ टाइम से अगर देखें तो भारत ये डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत बहुत कुछ चीज़ें बना चुका है जो भारत की ही टेक्नोलॉजी है, दूसरी बाहरी टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत ने जब मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था उसके तहत जब काम करना स्टार्ट किया तो भारत ने बहुत से ऐसे देशों के साथ हाथ मिलाया, एग्रीमेंट किए कि आइए आप इंडिया में आकर बनाइए और हमारे लिए सामान और भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करिए। तो वहाँ से भी टेक्नोलॉजी मिली और इसका तो पूरी तरह से फॉर्मूला भारत ने खुद ही बना दिया है। यहाँ तक कि भारत की जो नेवी है उसने इसका टेस्ट भी कर लिया है और ये इंडिया की जो फोर्स है उसको मिल भी गया है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से भारत के लिए हर तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब देखना है कि ये होगा कि भारत इसका एक्सपोर्ट भी करता है या नहीं करता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि भारत अभी इसका एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचेगा भी, लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात है कि भारत अगर इसको एक्सपोर्ट करेगा तो भारत को इससे एक अच्छी कमाई भी होगी। अभी तो इस पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, देखते हैं दोस्तों अब अगर कुछ इस पर और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।